नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम भारत में भाषा की क्या स्थिति है इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। भारत में भाषा की स्थिति। तो प्राचीन काल में भारत की भाषा नीति स्पष्ट थी। अनेक बोलियों के उपरांत सरकारी कामकाज के रूप में संस्कृत स्वीकृत थी। तो सबसे पहले जो सरकारी कामकाज होते थे उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, बौद्ध काल में भारत की राजभाषा का पद पाली व प्राकृत को मिला। तो उसके बाद क्या हुआ, संस्कृत के बाद जो भारत की राजभाषा बनी वो कौन सी थी, पाली व प्राकृत। फिर समय बदला, भारत पर मुसलमानों के शासन काल में कामकाज की भाषा फारसी बन गई, जबकि साधारण जनता ने उर्दू या हिंदी का विकास कर लिया था, किंतु तब भी राजभाषा का पद फारसी को ही मिला। उसके बाद क्या हुआ, यह भी अधिक समय तक ना रह सकी। फिर क्या हुआ, एक समय आया जब संपूर्ण भारत ब्रिटिश राष्ट्रध्वज के नीचे आ गया। तो जब भारत जो है ब्रिटिशर थी जो उनके अधीन था, तो उस समय क्या हुआ, अंग्रेजी जो है वो राजभाषा राजकाज की भाषा बन गई। लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व आज़ाद हिंद सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया था। तो संविधान में राजभाषा पर 3 दिन की लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को सबकी सहमति से राजभाषा का दर्जा दिया था। हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान है। तो आगे हम इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 343, संघ की भाषा। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि जो भारत की जो संघ की भाषा है, केंद्र की भाषा है, वो कौन सी होगी, हिंदी होगी। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। आगे है, इसमें ही कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक, यानी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। तो क्या कहते हैं कि जब तक संविधान लागू होने के जो 15 साल तक क्या होगा, अंग्रेजी भाषा जो है सरकारी कार्यों में पहले की तरह जो है प्रयोग होगी, उसके बाद जो है हिंदी भाषा प्रयोग होगी। आगे है अनुच्छेद 344, राजभाषा आयोग का गठन। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है, संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष और 10 वर्षों के खत्म होने पर देश का राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा लेने के लिए आयोग का गठन करेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो हिंदी के विकास और प्रयोग के लिए क्या करेंगे, एक आयोग का गठन करेंगे। तो जो आयोग है, आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों की संसदीय समिति गठित की जाएगी। इसमें क्या होंगे, जो लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। तो समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी। इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से होगा। आगे है अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों की राजभाषाओं का जो वर्णन इसमें किया गया है, इसमें कहा गया है कि राज्यों के विधान मंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजन के लिए स्थानीय भाषाओं या हिंदी को अपनाएंगे। तो जो राज्य है उसमें जो है सरकारी कार्यों के लिए स्थानीय भाषाओं या हिंदी को अपनाया जाएगा। जब तक कानून द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया जाता,
राज्य में अंग्रेजी पहले की तरह सरकारी कामों में प्रयोग होती रहेगी। जब तक जो है वो कानून नहीं बनता तब तक क्या होगा, राज्य में अंग्रेजी जो है पहले की तरह सरकारी कार्यों में प्रयोग होती रहेगी। आगे है अनुच्छेद 346, केंद्र या राज्यों के बीच संचार की भाषा। जो केंद्र है और राज्यों के बीच जो संपर्क की भाषा है उसका वर्णन किया गया है इस अनुच्छेद में। केंद्र और राज्यों के बीच संचार की भाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए उस समय जो भाषा मौजूद होगी वही भाषा राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा रहेगी। यदि दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहे तो वे कर सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 347। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछ कामों के लिए मान्यता देने के आदेश दे सकता है। आगे है अनुच्छेद 348, कानून की भाषा। कानून बोले तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की। तो यह अनुच्छेद कहता है कि जब तक कोई व्यवस्था ना की जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। और इसमें क्या कहते हैं, केंद्र और राज्यों के सभी विधेयक अधिनियम आदेश आदि का पाठ अंग्रेजी में ही होगा। आगे है अनुच्छेद 349। तो संविधान में प्रारंभ से 15 साल के दौरान हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अंग्रेजी के अलावा भी कोई भाषा जो है वो प्रयोग करनी है तो उसके लिए क्या होगा, लोकसभा या राज्यसभा राष्ट्रपति की अनुमति से ही कुछ जो है संशोधन कर सकती है। आगे है अनुच्छेद 350, याचना की भाषा। तो यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा के लिए, व्यथा बोले अन्याय हो रहा उसके साथ, कोई शिकायत के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। तो जो भी कोई भी व्यक्ति है वो अपनी, अगर उसने कोई शिकायत दर्ज करनी है या उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसके लिए वो राज्य या संघ में किसी भी अधिकारी को उस समय जो इस्तेमाल हो रही भाषा है, राजभाषा है, उसमें आवेदन दे सकता है। आगे है अनुच्छेद 350 क। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है, संख्या में जो कम है, उनके लिए प्राथमिक स्तर तक बच्चों की जो शिक्षा का माध्यम होगा वो मातृभाषा होगा। अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो इस अनुच्छेद में जो हिंदी के विकास के लिए है कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार विकास की जिम्मेदारी संघ की होगी। तो जो हिंदी का विकास है और उसका जो प्रचार है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, संघ की होगी, ताकि जो है वो भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो आगे है 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषा है वो कौन कौन सी है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो ये 22 भाषा है जो 8वीं अनुसूची में दी गई है। तो आज हमने पढ़ा भारत में भाषा की स्थिति। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।